बाकी बच्चे की खास तो अल्लाह के नबियों ने किया रहमसलाम, ये कोई बड़ी बात नहीं। आप आए जो हल्का बताऊंगा इंशाल्लाह अल्लाह मदद फरमाएगा। दो सवाल हैं जी भाई के। एक तो सवाल ये है कि आजकल गली मोहल्ले के अंदर कुछ लोगों की तज़ीनो आराइश के लिए ब्यूटी पार्लर बने हुए हैं, भाई का सवाल ये है कि क्या ये बिजनेस या कारोबार दुरुस्त है या नहीं। और दूसरा सवाल उनका ये है कि अगर किसी शख्स का बेटा अपनी मर्जी से खुफिया शादी कर ले तो क्या वालदैन की नाफरमानी है या ये जवाज के हुक्म है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी इस्लामाबाद से इधर बात कर रहा हूँ जी। जी इस्लामाबाद से मौलाना तशरीफ फरमा है जी। तो मौलाना से ये पूछना था, आजकल जो ये टीवी पे मसलन पर्दे के मुतल्लिक एक प्रोग्राम आ रहा है गांधी शायद आप रात भी लगा हुआ था। जी हाँ जी हाँ बिल्कुल लगा। कुछ रहनुमाई मैं चाहता था कि वो जो दलायल उन्होंने दिए हैं। नहीं आप प्रोग्राम के बारे में हमसे पूछेंगे या पर्दे के शरी हुक्म के बारे में पूछेंगे? शरी हुक्म के बारे में। जी ठीक बस आपने जब बात कह दी ना उससे सारी बात मेरी समझ में मेरे भाई आ गई। बहुत अच्छा किया आपने ये सवाल किया। बहुत लोगों को इस बारे में परेशानी लायक है कि वो गांधी साहब जो बयान कर रहे हैं वो तो मसला ही उलट गया। उन्होंने तो बिल्कुल खुद ही छुट्टी दे दी कि जैबो जीन उनके साथ बेपर्दा आपने जैसे जीते हैं बैठे हैं लोग देखते रहे बहुत खूब जल भर कर देखें और जब नजर खराब होने लगे देखना नहीं मना घंटा देखते रहे जब पता चले कि सुई तो अब बदलने लगी दिल में बुरा उस वक्त वो नजर हटा दें ऐसा बरसा कि दरिया में फेंक दो फिर कहो कि दामन तरना होने दो। इसके लिए मैं भाई सिर्फ आपसे ये कहूंगा कि गांधी साहब के अंदर अगर खौफ खुदा होता अल्लाह इसकी उनकी तौफीक दे तो किसी दूसरे की जरूरत नहीं थी। उनके उस्ताद हजरत इमाम मौलाना अमीन हसन साई रहमतुल्लाह अलैह की आप तदब्बुर कुरान ले लें सूरह नूर देख लें सूरह अहज़ाब देख लें और सैयद अबू अला मौदूदी की तफहीमुल कुरान देख लें यही दोनों काम सारे दलायल का जवाब आ जाएगा। जो ये बातें घर रहा ना कि ये उस वक्त की हालात के तहत था ये था वो था इसका सफाया इनके उस्ताद ने खूब अच्छी तरह किया है। ये जो कहता तुम पढ़ते नहीं आगे पीछे से सारा आगा पीछा मुझे पता है रबत के लिहाज से तफसीर की है इसे भी पता है। जब लोग तंग करते हैं कि तू क्या कह रहा तेरे उस्ताद क्या कहते हैं जिनका हर वक्त तू नाम देता कि वो हजरत इमाम थे तो कहता हाँ उनकी यही राय थी। अब आप देखें कि अगर इस तरह उलमा पर बेतमादी पैदा कर दी जाए कि पिछले भी अहमक थे मेरा उस्ताद भी अहमक था तो आपके बारे में क्या गारंटी है कि आप अहमक नहीं है? सारी दुनिया तो बेवकूफ गुजरी है तेरे बारे में भाई आई कि तू जो कल को उठेगा वो कहता गांधी भी गलत। ये तो तुम दीन को मुजल्जल करना चाहते हो। अच्छा। कि जो स्पेशलिस्ट है ये तदब्बुर कुरान और तफहीमुल कुरान दोनों काफी हैं। तदब्बुर तो इसके लिए हुज्जत है कि सारी तफसीर तेरे खिलाफ है जो कुछ तू पर्दे के बारे में कह रहा तस्वीर के बारे में कह रहा मुजस्मुन पढ़ा इसराइल साहब ने क्या लिखा इस पर मौसीकी के बारे में। एक मरतबा मौलाना मैंने जुमा मतलब पढ़ा था यही मस्जिद में ना आपके मेरा तल्लुक फैसलाबाद से है जी। तो यहाँ यानी कि मैं क्या हूँ यानी कि मसल अल्लाह बरकत दे मेहरबानी है तो वो मैं ना इसलिए मुझे ये पैदा हुआ कि आपने तो पर्दे के मुतल्लिक बड़ा मसलन यानी काफी सख्त लहजे से सख्त लहजे मैं तो आप भी कहता हूँ अगर उम्मत को तबाह करना और इसकी जड़े खोदनी है तो रही सही कसर बेपर्दगी से हो जाएगी। तो वो ये जब बेपर्दगी हो जाए कुछ नहीं रहेगा फिर बच्चे बचवा नहीं बच सकेंगे। गांधी साहब का और आपका नुक्ता नजर टकरा रहा था बिल्कुल टकरा रहा और मैंने एक प्रोग्राम उनका देखा था तो उसमें एक बच्ची भी बैठी हुई थी उनकी हम ख्याल ही होगी मगर एक सवार उसने ऐसा किया कि गांधी साहब को कोई जवाब नहीं आया। आप भी आप उसकी सीरीज ले लें तो देखें उस बच्ची ने कहा कि आप कह रहे हैं वो जीनत के साथ सामने आए वो देखे सब नहीं इसी सूरह नूर में आगे ही नहीं आयतों में आता है कि औरतें जो है पांव मार कर ना चले ताकि जो छुपी हुई जीनत ना उन्होंने जेवर पहने उसकी आवाज ना कानों तक आए। गांधी साहब कुरान तो ये कह रहा कि छुपी दिखानी तो खुजा जो छुपी पांव मार करना चले उनके तो इसने कहा मैं क्या करूं अल्लाह ने उधर वो हुक्म दिया इधर ये दिया अल्लाह की मर्जी ये जवाब दिया हालांकि अल्लाह ने इस तरह के मुजाद हुक्म क्यों देने थे अगर तुझे हिदायत होनी होती यहां ही रुक जाता कि बच्ची ने ठीक कहा कि उधर कुरान कह रहा पांव मार करना चलो ताकि जो है शलवार के नीचे घुंगरू वगैरह उसकी आवाज ना तुम कहते हो डांस करे और बेपर्दा करे कोई जवाब नहीं कहा तो ना ये अल्लाह से जाकर पूछो उसने क्यों कहा उधर नंगी आया और उधर ये कहता नहीं कोई नहीं कोई बात नहीं आई सी तो ये दिलों पर मोर लगने की अलामत है वरना हर शख्स जानता है कि असल फितना जो है नजर का तब देखना ही शुरू कर दिया क्या बचेगा फिर। अच्छा, अच्छा।
अल्लाह खैर से रखे, मेहरबानी। तदब्बुर कुरान जरूर देखने इन दिनों में, इसके फितने का हल वही है जो इसके उस्ताद ने कर दिया, अल्लाह उस पर रहमत करे। तदब्बुर कुरान पढ़नी चाहिए जी मौलाना। एक तो खुफिया शादी के बारे में सवाल है, एक ब्यूटी पार्लर की, हाँ दो सवाल है। असल में होता है कि एक बात होती है कि फी नफ्स से बजाते खुद वो जायज है या ना, एक है कि जो कुछ अब हाल हो गया वो ठीक है, ये जो है ना तकीन इसको अरबी में कहते हैं, जो ऐसा काम करती है वो मुकैना कराती थी मदीना मुनव्वरा में, वो भी दुल्हनों को इस तरह ही संवारती थी, जेबो जीनत करती थी, ये बाकायदा शोभा था शादी के मौके पर। ऐसा ही इब्ने हजर की फतुल बारी रहमतुल्लाह की देखें, मुकैना और लड़कियां उनके पास भेजते थे, वो जीबो जीनत करती थी, संवारती थी खामदों के पास भेजने, मगर वो सादा सी बात, बाल बना के खुशबू लगा दी, कंघी पट्टी कर दी, मगर जो याशी अब हो गई कि हजारों रुपए एक रात के लिए बर्बाद होता है, यहाँ वो जीनत की बात इतनी नहीं, उसको हम क्या कहें फतवा देते वक्त। इसीलिए कहा गया कि मुफ्ती वो है जो अपने दौर के उर्फ को जाने, अब क्या अब वो जेबो जीनत नहीं सिर्फ अय्याशी, और गरीब बच्चियां जो है वो तो बेचारी तरस नहीं रहती हैं, उनके वालिदैन कहते हैं हम कैसे यहां से करें, कितना खर्च होता है वहां, निकाह वाला बेचारा बैठा होता परेशान, अभी लड़की आई नहीं ब्यूटी पार्लर, ये सराफ और तब्जीर है, ये तजीन नहीं रही, बिल्कुल फजूल खर्ची, अय्याशी, हराम, शैतान के भाइयों का काम है, ठीक है फैल गया क्या करें, जैसे और लानते फैल गया, यही बजाते खुद जेबो जीनत बुरी कोई नहीं, लड़की अपने आप को खुद संवारे या उसकी सहेलियां संवारे या कोई और संवारे, बिल्कुल फतुल बारी में किताब जो है निकाह की उसने शराम पढ़ना चाहिए, मुकैया मदीने की औरतें जब उनके पास ले जाते थे वो जेबो जीनत करती थी, तो बजाते खुद ये काम नहीं बुरा, मगर जैसे हर बात जब हद से बढ़ जाए तो हराम ही हो जाती। खुफिया शादी के बारे में आप कुछ फरमाएंगे? आप? नहीं, ये खुफिया शादी कोई नहीं, एक बच्चे ने अगर बाप को इतला नहीं दी, ये दूसरे कपनी पसंद की शादी कर ली दो गवाहों की मौजूदगी में, तो ये निकाह सिर नहीं, ये पोशीदा कोई नहीं, दो गवाह काफी, यानी वो खुफिया बच्ची के चलिए कहें कि बच्ची ना ऐसी खुद सरी करे, नहीं खुफिया से मुराद भाई की सिर्फ ये है कि उनको नहीं खबर की, किनको मतलब वालदैन को, बाकी तो पूरे जग को उसने बताया, चलो जग को बताया, वालदैन रोड़ा अटकाते हों, कई वालदैन भी जिद्दी है ना कि बच्चा चाहता है, ये खाम खा बिला वजह रुकावट डालते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि अगर आप रुकावट डाल रहे हैं जिना कर लेंगे तो फिर ठीक है, बदकारी में गर्क हो जाएंगे, निकाह ही कर लिया, इसलिए दो गवाह अगर हो गए तो फिर वो निकाह निकाह सिर नहीं रहा, अलानिया हो गया, दो गवाह काफी। चलिए लड़की को नहीं ऐसा चाहिए, लड़कियों का मामला तो आप जो जी चेक करते रहना, आपको पता होना चाहिए कि लड़का है अपने पांव पर खड़ा, वो अपने आप में मुस्तकिल है, नहीं लड़की पसंद होगी छोड़ देगा, लड़की का क्या, अगर उसने अपने माँ बाप को छोड़कर ऐसी हरकत की क्या बनेगा, उधर भी इज्जत नहीं होगी, उस घर की औरतें कहेंगी तुझे कोई लेता इस तरह क्यों आती, जलील होती हैं, और लड़के जब जुल्म करते हैं या छोड़ देते हैं वारिस कहते हैं दफा हो, जिधर जीता जा, जब तूने हमारे हमें से पूछा ही नहीं, इसलिए सही बात यह है कि लड़की के लिए वली और उसका इज्जत दोनों लाजमी, वली भी राजी हो वो लड़की भी राजी हो, अगर वली उसकी मर्जी बगैर करते हैं ये भी जुल्म, लड़की को राजी होना चाहिए, और दूसरी तरफ जो वो नहीं पूछती ये भी जाती, वालदैन को इस तरह नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मौलाना एक सवाल कल पेश आया था कि एक बहन ने पूछा कि मेरा निकाह हो चुका है, अब चूंकि मेरी रुखसती नहीं हुई तो मेरा जो मियाँ है वो मुझे फोन पे ये कहता कि तुम मुझसे मिलो, और मिलने से आप समझते हैं कि वो क्या चाहता है जी जी। अब वो लड़की कहती है कि क्या मैं उसे मिल सकती हूँ, और फिर वो खुद ही रियाज़ो सालहीन की एक हदीस पढ़ के सुनाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मियाँ बुलाए और वो ना जाए तो उस पर ये वईद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, तो अब उस हवाले से आप क्या कहते हैं, क्योंकि निकाह तो हो चुका शरी एतबार से, लेकिन उर्फ के अंदर ना वो मियाँ लड़की के घर आ सकता है ना फिलहाल लड़की अपने मियाँ के घर जा सकती है, क्योंकि ये रस्म और रिवाज जो है इसका भी एक बंधन बंधा हुआ है, ये रस्म और रिवाज इतने कबीर गंदे हैं और लोग इनके इतने पाबंद है कि शरीयत की पाबंदी नहीं करते, इनकी जरूर करो। हमारे अपने गांव में अपने अजीजों में इसी तरह से करीबी घर था, वो पहले ही मिलना शुरू हो गया, अल्लाह ताला